साक्षी एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। कांग्रेस के वो आरोप मतलब राजनीति के डर्टी ट्रिक्स, नितिन गडकरी। येडियुरप्पा इनके डायरी का सहारा लेते हुए कांग्रेस ने येडियुरप्पा इन पर जो कोई आरोप लगाया है वो कांग्रेस का बचपना है, ऐसा नितिन गडकरी इन्होंने कहा। इसके अलावा आयकर विभाग ने येडियुरप्पा की डायरी पर सवाल उठाया है। डायरी के हस्ताक्षर को गलत बताकर कागज बनाया गया, यह राजनीति में डर्टी ट्रिक्स है। गडकरी इन्होंने कहा कि यह एक हास्यास्पद आरोप है, इसे गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक में अरबों रुपए हस्तांतरण के लिए बीएस येडियुरप्पा सत्ता में है। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि डायरी सामने आई है। सुरजेवाला ने दावा किया था कि इस डायरी में लगभग 1800 करोड़ का लेन देन लिखा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह एक अंग्रेजी पत्रिका द्वारा प्रकाशित लेख का आधार था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि डायरी के हर पेज पर येडियुरप्पा के हस्ताक्षर है। हालांकि कांग्रेस ने डायरी की प्रामाणिकता के बारे में कोई दावा नहीं किया है। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूरे भाजपा नेता पर सवाल उठाए। इस पर गडकरी इन्होंने कहा कि यह एक हास्यास्पद आरोप है और इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।